था जब हवाई जहाज बस एक कोरी कल्पना हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदला और आज एरोप्लेन सबके लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। एरोप्लेन में बैठना पहले लोगों का ख्वाब हुआ करता था और आज यह बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग थिंग जर्नी को। यह जर्नी फुली एयर इंडिया के बारे में है कि एयर इंडिया का कैसे शुरुआत हुआ। एयर इंडिया फ्रॉम टाटा टू टाटा, एयर इंडिया कैसे जेआरडी टाटा के द्वारा शुरू की गई थी और इसे रतन टाटा जी ने 16,000 करोड़ की बिड लगा के इसे अपने फेवर में कर लिया। तो इस कोविड के दौर में सब कुछ पूरी तरह लॉस में जा रहा था और इसी तरह एयर इंडिया अभी सरकार के लिए संभालना एक मुश्किल का सबक बनती जा रही थी और इसी वक्त में बोली लगाई गई और रतन टाटा जी ने इसे खरीद लिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फुल हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे इसका ओरिजिन रहा और सेकेंड मोस्ट इसकी सक्सेस के बारे में। एक समय था जब एयर इंडिया को आसमान का महाराजा कहा जाता था और एक आज का वक्त है जब यह पूरी तरह डूबने के बाद इसे सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंटली क्या चल रहा है, कैसे एयर इंडिया बढ़ेगी और इसे कैसे रतन टाटा जी ने और कितने में इसे ऑक्यूपाई किया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एयर इंडिया की स्टार्टिंग। नेविल विंसन जो कि रॉयल एयरफोर्स के एक पायलट हुआ करते थे, इन्होंने जेआरडी टाटा के साथ मिलकर टाटा एयर मेल की शुरुआत की थी और इसका पर्पज सिर्फ ये था कि बॉम्बे से लेकर कराची तक फास्टेस्ट मैसेज को डिलीवर किया जाए एज ए मेल के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया एज ए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे शुरू की गई थी एरोप्लेन्स के द्वारा दो पोस्टमेट्स विमान के साथ। 1932 आते आते टाटा एयरमेल की शुरुआत भी हो गई और इसकी शुरुआत की बात करें तो यह शुरुआत में तो बस मैसेज पहुंचाने का काम किया करती थी। हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया पहले बस एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो कि दो पोस्टमेट विमान के साथ शुरू की गई थी, एक छोटे से विमान के साथ। और इसके साथ ही 15 अक्टूबर 1932 को ऑफिशियली इसकी नींव की शुरुआत की गई और पहला हाफ जो कि जेआरडी टाटा ने कराची से लेकर बॉम्बे तक प्लेन को उड़ाया था और सेकेंड टाइम नेविल विंसन जो कि रॉयल एयरफोर्स के पायलट थे, इन्होंने बॉम्बे से लेकर मद्रास तक की दूसरी उड़ान भरी। टोटल दो लेग में यह विमान ने उड़ान भरी थी। और फाइनली ठीक 6 साल बाद टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की गई और यह शुरू में तो बहुत सफल रही थी क्योंकि इसमें तब मोस्ट एडवांस फ्लीट के बहुत सारे एरोप्लेन शामिल थे। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा ने फाइनली एक टीनी एयर सर्विस शुरू की जिसमें कि 2 पायलट, 3 इंजीनियर्स और कुछ क्रू मेंबर्स हुआ करते थे। यह हर सोमवार को यह सर्विस दी जाती थी। यह सर्विस कराची से लेकर चेन्नई, फिर वहाँ से लेकर मुंबई तक दी जाती थी और यह शुरू में बहुत ही सफल रही थी और इसने लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था और इसके कारण ही टाटा एयरलाइन को एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट हुआ जो कि फर्स्ट ईयर के लगभग 60,000 रुपये हुआ करते थे। और यह रुपए तब बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। टोटल 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और इसका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते साथ और ज़्यादा ऊपर ही जा रहा था। और फाइनली वर्ल्ड वॉर टू अब खत्म होने के कगार पे थी और जमशेद जी टाटा ने तब के मोस्ट एडवांस लॉकेट, ये लॉकेट तब की मोस्ट एडवांस एयरप्लेन फ्लीट हुआ करती थी जिसमें कि मालाबार प्रिंस के नाम के प्लेन को भी शामिल किया गया था। और इसने सबसे पहले उड़ान लंदन तक के लिए भरा, इंडिया टू लंदन, जिसके कैप्टन थे KR गुर्जर। और इसमें 2 साइकिलिस्ट भी थे जो कि लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। और इसके साथ ही इसमें कुछ नवाब ऑफिसर और खुद जेआरडी टाटा भी मौजूद थे और यह बहुत ही सफलतापूर्वक लंदन में पहुंची गई। लंदन में पहुंचते के साथ ही जेआरडी टाटा ने खुशी के साथ कहा, हे गाइस वी आर इन लंदन, सेट योर बॉयज गाइस, वी आर ऑन राइट शेड्यूल। और इसका तब का किराया लगभग 1720 रुपये हुआ करता था। 1720 रुपये उस समय की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और फिर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने एयर कॉरपोरेट एक्ट ला के टाटा एयर को एयर इंडिया बना दिया जिसे कि पूर्णतः नेशनलाइज कर दिया गया। फिर उसके बाद 1978 में मोनार्जी देसाई ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से भी हटा दिया। रवि की मोस्ट एडवांस और सबसे बेहतर एयरलाइन मानी जाने वाली सिंगापुर एयरलाइन तब एयर इंडिया को अपना रोल मॉडल माना करती थी और एयर इंडिया पूरे ही दुनिया में फैल चुका था और यह प्रगति की एक नई ऊंचाई को छूता जा रहा था। इसके साथ ही इसे इंटरनेट से भी कनेक्ट किया गया और इसे तब एयर इंडिया को महाराजा एयरलाइन के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा क्योंकि यह वर्ल्ड क्लास सर्विस दिया करती थी। लेकिन इसमें शराब को बैन कर दिया गया जेआरडी टाटा के ठीक हटने के बाद ही। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग ब्रिटिश एयरवेज के मुकाबले एयर इंडिया को ज़्यादा प्रीफर किया करते थे क्योंकि तभी यह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने में सक्षम थी। और इसके साथ ही 28 मई 1997 को एयर इंडिया को फाइनली इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई क्योंकि तब एयर इंडिया प्रॉफिट से एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। और फाइनली लॉस मेकिंग कंपनी को बेचने के लिए 2018 में गवर्नमेंट ने 76% स्टेक को प्राइवेटाइज करने का सोचा लेकिन इसकी किसी ने बिल्डिंग नहीं की क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट 24% स्टेक अपने हाथ में रखा करती। तीसरा पॉइंट करंट कंडीशन, अगर करंट कंडीशन की बात करें
तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 16,000 करोड़ की बिड लगा के एयर इंडिया को खरीद लिया और कुछ इस तरह हुई एयर इंडिया की घर वापसी। जेआरडी टाटा ने इसे छोड़ा था और रतन टाटा ने इसे फिर से ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, नहीं तो फिर से मिलेंगे तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।